और वहीं बीजेपी के लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल ने टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। साथ ही राहुल गांधी पर उकसाने का आरोप भी लगाया, तो वहीं यूपी में जीत का दावा किया। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया सुनिए। बीजेपी के लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर संसद की बात करें, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों जगहों पर गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर ये एक सोची समझी रणनीति है। सदन का बहुमूल्य समय, जो देश की तमाम ज्वलन समस्याओं के लिए, देश के विधेयक के लिए, कानून के लिए जगह है, वहाँ पर डिसरप्शन हो रहा है। जो जगह डिबेट और डिस्कशन डिसीजन के लिए है, वहाँ विपक्ष डिसरप्शन कर रहा है, व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। आखिर क्यों? जब आज अजय कुमार मिश्रा के टेनी के मामले में उनका बेटा जेल में है, कोर्ट की निगरानी में SIT की जांच हो रही है, और जब जांच न्यायालय के देख रेख में हो रही, तो अब उसके बाद ये कहना कि उनका इस्तीफा हो, तो अब फैसला तो न्यायालय के हाथ में है, तो उसका इंतजार कर लें। इसके पहले जब तक किसान के बिल नहीं वापस हुए थे, तो लगातार ये विपक्ष किसान के बिल की वापसी की मांग कर रहा था। तो क्या सदन केवल हंगामे के लिए है, या देश की कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष में है, राहुल गांधी जिस तरीके से रोज़ उकसाने का काम करते हैं और रोज़ जिस तरह से बयान देने का काम करते हैं, वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार राज्यों में चुनाव हारती जा रही है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से अखिलेश की रैली में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही, काफी खुश है, उनका कहना है कि इस बार यूपी से बीजेपी गई। अगर आप उनकी उस यात्राओं की भीड़ देखें, तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज का सिद्धार्थनगर में हुआ, लोग कहते हैं अभूतपूर्व हुआ, अभी काशी गए, शाहजहाँपुर गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक सैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, योगी जा रहे हैं, अभी 6 यात्राओं की सभाएँ हुई हैं, JP नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अस्पष्ट तौर से लोग, आज प्रदेश की जनता योगी की सरकार के सुशासन से, विकास से खुश है, और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से सरकार आएगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।